देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे में 39,000 कोरोना मरीज पाए गए, जबकि 491 लोगों की मौत हुई। शनिवार को कोरोना के 48,000 मामले सामने आए थे, वहीं 43,910 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। देश में अब भी एक्टिव मरीजों की संख्या 4,06,822 है। केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कोरोना के बढ़ रहे मामले से अब केंद्र और राज्य सरकारें भी चिंतित है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। वहीं अब तक देश में कुल 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। गौरतलब है कि भारत में बीते साल कोरोना ने कहर बरपाया था। 7 अगस्त को 2020 को 20 लाख मरीज मिले थे। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।